और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी हमने जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है, तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है।